गाइस, और मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा एक बड़ा भैया जा रहे हैं जंगल और बैग थैला उल्ले पकड़ के, पर कुछ लाने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग का क्या बोलते हैं गाइस, सब 2-3 दिन हो रहा है घर आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक गए हैं शायद जंगल में। तो इसलिए मैं और दादा जा रहे हैं अभी उन लोगों को ढूंढने। पता नहीं हम लोगों का आज का ये मिशन कंप्लीट करेंगे कि नहीं। तो अभी जंगली जंगल जा रहे हैं दोनों। अरे बाबा, यहाँ तो बहुत बड़ा सा एक पेड़ गिर गया है। यहाँ देखो, बहुत बड़ा सा पेड़ एक गिरा हुआ है, शायद हवा धुपा का वजह से वो रास्ता कवर कर दिया है। थोड़ा क्लियर करके जाएंगे अभी। ओरे एक्सीडेंट हो जा रहा था मेरा। फ्रेंड लोगों, आप सभी को स्वागत करता हूँ ये अनदर ब्लॉग में। तो क्या हुआ ना, हम लोग आ रहे थे ना, तो रास्ता में एक कड्रा का एक अंकल मिले और बोले कि वो तो हर दिन ऐसे कुछ लकड़ी सब लेने के लिए जंगल आते हैं। अरे यार, यहाँ भी गिर गया है उधर से गाछ, तो इधर से जाना पड़ेगा। अरे हाँ, तो वो अंकल क्या बोल रहे थे कि वो अंकल डेली आते हैं ना, तो ही लकड़ी सब जलाने के लिए, सूखा लकड़ी सबको लेने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि कल तो वहाँ पे सोए थे क्योंकि रात का उन लोगों का पुट्टी सब अच्छा से सूखा भी नहीं था, तो उधर ही थे। तो उधर ही मतलब कड्डा बेटा तरफ, मतलब वही लोगों का कड्डा है, उधर ही जाते हैं बोले। और उधर क्या पानी भी सुविधा है उन लोगों का पीने के लिए, एक ठो झरिया टाइप का है। तो उधर ही हम लोग, मैं और दादा भी जा रहे हैं उधर ही दोनों। अरे वाह, मच्छर तो मच्छर काट रहा है। उधर गाय सब देख ही दिए, पर हम लोगों का है कि नहीं पता नहीं, पास जाके ही पता चलेगा अभी तो है नहीं, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है। तो चलो पास जाएंगे और देखेंगे किसका है। तो हाँ, हम लोगों का ही है, मिल गए हैं। तो हम लोगों का मिशन अभी पूरा हो गया है। सीमेंट हुआ कदल कलंग निदले गंडी आप क्या कौन कौन है देनी में का नहीं हां नहीं अंतर भालू हां है देनी लफर ओ बछरू का निका। तो हम लोग को मिल गए हैं। तो चलो, ये है यहाँ पे भटक रहे, घर भी नहीं जा रहे थे, हम लोग को मिल गए हैं। तो अभी खेत के लेंगे, आधा ही मिले हैं और तो नहीं मिले हैं। और हम लोग का ठुप्पा सब नहीं है, ठुप्पा तो कितना दिन से नहीं आ रहा, ठुप्पा भी नहीं है हम लोगों का। तो अच्छा, यहाँ पे पानी है नीचे, यहाँ पे इसी वजह से ये लोग यहाँ इधर रहते हैं और क्या। और सब तो नहीं है, तो क्या करेंगे अभी, ये सब कोई खेत के ले जाएंगे निको हाथ अलग हार तुका धावरा का। तो हम दोनों भैया के साथ डिसाइड किए कि अभी इन लोगों को थोड़ा आगे तरफ, मतलब रास्ता तरफ खेत देंगे, फिर आधा लोग नहीं है तो इसलिए हम और थोड़ा आगे तरफ जाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा होयाबुरु, जिधर है होयाबुरु बोलने से हवा का जंगल, वहाँ जाने से बहुत अच्छा हवा आता है। तो इसलिए हम उसको इन लोग को उधर खेदेंगे और उधर जाएंगे और क्या। पापा बोल रहे थे कि एक दिन पापा उधर से खेत के लाए थे बोल के। तो हल्का हल्का तो हम लोग का मिशन पूरा हुआ है, पर पूरा आज का मिशन कवर होगा कि नहीं पता नहीं। गोंडी उन लोगों को तो हम आधा रास्ता खेत दिए हैं और अभी फिर से हम इधर आ गए हैं और सबको
जो लोग की नहीं है उन लोगों को ढूंढने के लिए। तो देखते हैं लोग कहाँ पे हैं, पता नहीं। इधर तो पंजा सब भी दिखाई नहीं दे रहा है इतना। भैया बोले कि उधर एक जगह अच्छा थोड़ा प्लेन है, उधर सोते हैं, इसी वजह से थोड़ा उधर भी चलो देख लेते हैं बोले। उधर भी जाएंगे। हाँ यहाँ पे इतार दा कर लगाने को बुढ़ा कर। यहाँ पे लोग पानी पिए थे, पूरा गंदा कर दिया है पानी को। वो लोग इसके ऊपर में थे उधर, यहाँ पे पानी पी लिए। तो हाँ इधर थोड़ा पंचा सब है, हरल पदर भी है। नेतार गुटी लेना को। हाँ नुबर आका। तो गाय देखो यहाँ पे रात को सोए थे, यहाँ पे गाय लोग देखो राती का है। यहाँ यहाँ पे सोए थे, उन लोगों का पुट्टी सब भी है यहाँ पे, उन लोगों का हगमुतु सब। तो सूखा नहीं है, तो ये राती का है। तो अभी और लोग कहाँ है पता नहीं, शायद वो लोग खा पी के यहीं पे शायद आज भी सोते हैं शायद। तो देखेंगे अभी। और इधर गए हैं, इधर झरिया है, इसी वजह से इधर ही रहते थे वो लोग। पानी का सुविधा और खाने पीने का भी सुविधा इसी वजह से। अरे बाबा यहाँ सब तो पूरा प्लेन कर दिए हैं, नेता करे थी तेना को कहा पूरा। यहाँ तो पूरा उन लोगों का अड्डा बनाए थे जैसे लग रहा है। अरे बाबा तो और किधर जाएंगे अभी। अभी खाली सौंढो सौंढो सा हम लोग का क्या बोलते हैं बड़ बड़ गाय सब हम लोग का, वो लोग बस नहीं मिले हैं। और छोटे छोटे तो सबको मिल गए, बस वो बड़े बड़े सब किधर हैं अभी देखना पड़ेगा। अरे मैं तो थका गया, उधर एक पत्थर को गाय सोचने लगा। तो कोई बात नहीं, उन लोगों को भी पाएंगे बोल के तो आशा तो है। गाइस पांजा सब देख के थोड़ा लग रहा है कि सिग्नल मतलब पांजा से इधर ही गए हैं जैसे। और एक दो ठो ऐसा कंफ्यूज कर दे रहा है कि इधर आए माने इधर आए हैं, पर इसे दिखाई दे रहा है। और आधा आधा पांजा उधर गया है जैसे दिखाई दे रहा है। पर देखते हैं, इधर एक ठो बेडा टाइप का है, प्लेन टाइप का है ऊपर में। मैं तो इधर आया नहीं हूँ, दादा बोले। तो देखते हैं हम लोग अभी करीबन होयोबुरु आसपास हम आ गए हैं। और शायद होयोबुरु हंतर जाएगा दादा। अच्छा इधर है होयोबुरु वाला, बहुत ही ऊंचा है वाला और ऊपर खाली पत्थर है। तो मैं अभी तक कभी नहीं गया हूँ, मेरा गांव का ही है, पर कोशिश करूँगा उधर जाने के लिए। तो देखो हम लोग का गांव का जंगल ऐसे कुछ है, पत्थर पत्थर है। पता नहीं इधर, तो इधर थोड़ा प्लेन ही तो है, पर यहाँ कहीं रहना चाहिए पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया तो उधर जा रहा है, तो चलो मैं इधर जाता हूँ। अरे बाबा पत्थर का भंडार है रही ये तो। नहीं गाइस मैं यहाँ पे सद आया था, यहाँ पे तो आया हूँ। हाँ यहाँ आया हूँ पर इससे आगे नहीं गया हूँ, यहाँ तो आया हूँ, मेरे को याद आ गया। तो यहाँ सब पंजा सब है। इंसान भी इधर आए थे, इंसान का पंजा ये है चप्पल का। तो ये बाबा रे इधर तो क्या पता नहीं इसे हरल पदल प्रकार दिया है, शायद जंगल का जानवर सब। अरे यहाँ पे तो गाय सब का भी पंजा है, पर ये लोग किधर गए? यहाँ पे तो शायद घूम फिर रहे थे जैसे लग रहा है। एक दिन शायद यहाँ पे भी सोए थे, पर ये गोबर तो बहुत 3-4 दिन
आगे का है, ये सूख गया है, ये सब बहुत दिन का है, तो पता नहीं अभी कहाँ ढूंढेंगे, देखते हैं अभी दादा तरफ हालचाल क्या है, चलो देख लेते हैं थोड़ा। तो गाइस इधर तो आज का ही ये उन लोगों का जो पुट्टी सब है यहाँ पे, पर यहाँ पे रात को यहीं पे सोए थे शायद, दो ग्रुप शायद टू ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं ये लोग। तो यहाँ सब देखो पूरा उन लोगों का खाली पुट्टी है, तो यहीं पे ही थे, पर यहाँ से किधर चले गए पता नहीं, इधर पूरा है। अरे बाबा यहाँ पे तो बहुत ही सब थे, जंगल जंगल घूम रहे हैं, पर और एक ग्रुप मिल जाने से हम लोग का आज का मिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ सब उन लोगों का पंजाबी बहुत है, देखते हैं पांजा किधर जा रहा है, किधर की किधर जो पता नहीं। तो नेते इधर तो देखते हैं हम, इधर तो आज का बोलने से तो नहीं दिखाई दे रहा इधर का, तो ये वाला पंजा तो है, पर को अच्छा से हम देख लेते हैं किधर गए हैं ये लोग। तो गाइस हम लोग अभी क्या बोले, इतना पहाड़ पहाड़ हम लोग गए थे, पर और आधा लोग आधा गए सबको तो हम नहीं पाए, तो अभी हम शाम भी हो गया, वरना इतना जंगल से आते आते क्या रात हो जाएगा, तो इसी वजह से हम दोनों मेरे बड़े भैया के साथ हम लोग सोचे चलो घर जाते हैं बोल के, तो पता नहीं आधा लोगों को तो पाए और 50% नहीं पाए हैं, तो 50% तो घर गए और 50% कहाँ जंगल में ही अड्डा कर रहे हैं, और क्या होने होना चाहे नम टेंडल अमीन। तो क्या वही, तो दादा इधर क्या तभी जो लकड़ी काटे थे तो उसको क्या क्या का क्या बनाएंगे बोल के उसको थोड़ा तभी चुन के रखे थे वहाँ पे, तभी दोनों को लेंगे, बहुत ढो रहे हैं उसको। तो ऐसे ही तो हम लोगों का मिशन भी आज 50% खाली हम कवर किए हैं और 50% बाकी है, तो उसको कब पूरा करेंगे पता नहीं, कि वो गाय सब खुद पूरा करेंगे कि हम ही लोगों को पूरा करना पड़ेगा, जो पता नहीं कब आ रहे हैं पता नहीं, वो भी है। शाम भी हो गया बहुत, घर जाएंगे तभी, आधा लोगों को तो यही रास्ता में खेत दिए थे, चल चल के जा रहे थे, पंजा सब तो है नीचे घर ही और जा रहे हैं, तो पता नहीं रास्ता में पाएंगे कि घर पहुंचे रहेंगे, जो लोग रास्ता में पाएंगे तो लोगों को खेत के लेंगे। अरे गिर जा रहा था देखो तो गाइस, रास्ता बहुत ही डेंजर है, थोड़ा बहुत जंगल एरिया है ना, जब देखो पूरा पेड़ पौधा खाली भरा हुआ है, दो तीन चार ढो के आ रहे हैं। और हम लोग इसी बात का कंफ्यूज हुए जंगल में, जिधर के पूरा पांचा सब तो बहुत था, और तीन चार चार जगह जैसे वो लोग मतलब कि अड्डा बना के सोए थे, तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, और रास्ता भी इतना भारी था, इधर उधर उधर ऐसे वगैरह वगैरह, तो हम लोग कौन सा रास्ता में जाएंगे बोल के कंफ्यूज भी हो गए थे, और इतना जंगल में, तो इसी वजह से आधा लोग तो कहाँ कहाँ भटक ही रहे हैं, और तभी हम लोग जो खेते थे इधर घर तरफ, तो वो लोग जा रहे हैं इधर अभी तक धीरे धीरे इसे खड़ा खड़ा होके, इधर वो लोग को भी अभी हम पहुंचाए, तो इन लोग का भी खेत के लेंगे, और क्या तुला सेने कुछ नहीं, हाँ तिंगू बई कना को तुला फिर तुला उड़ाते फिर मारे, मरना पड़ेगा इन लोगों को, पूरा खा पी के तो लोगों का पेट सब देखो पूरा टुल्लू हुआ है, हड्डी में हेंदे नहीं कुरे आयुर रही है थी हनी आयुर रे, तो तारा ले ले मुखना खोजा
ये तो कहाँ हुई उठोगे दोला सेने या कुछ अभी सर बड़ा वाला पकड़ेंगे इसी से लोगों को मार मार के लेंगे सर घर घर जाते नहीं है ये लोग दोला हिट अरे बाबा देखो गाइस ये लोगों का पूरा कितना धीरे से जा रहा है चलो सेने या कुछ और ही है तो गाइस क्या बोलते हैं उसको जो दादा खाली ढोक ला रहे थे यही काट सबको तो इतना अच्छा अच्छा सूखा सूखा है तो जलाने के लिए अच्छा होगा बोल के मैं भी लोभाया और दो ठू मैं भी ला रहा हूँ आज इसी से खाना बनाएंगे हम लोग देखते हैं कैसे जलेगा अच्छा जलेगा तो वहाँ जाएंगे और जो वहाँ पे है उसको भी लेके आएंगे इसको आज जलाएंगे कैसे जल रहा है देख लेते हैं पहले अच्छा जलेगा तो लाना पड़ेगा उसको और हम लोग का गाय सबको देखो जा रहे हैं लहरा कहाँ कहाँ अड्डा जमा लेते हैं पता नहीं तो सोचे हैं और एक दिन और दो दिन जैसे इंतजार करेंगे वो बड़ा बड़ा हम लोग का गाय सब आएंगे कि नहीं और वरना उन लोगों को भी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा और क्या तो हम लोग का घर का ऊपर का बेड़ा पहुंच गए हैं और देखो देखो खुशी में कैसे इधर उधर फदुंग फदुंग दौड़ रहे हैं सर बहुत दिन से घर नहीं पहुंचे थे इसी खुशी में लोग इधर उधर कूद रहे हैं खुशी मना रहा है खुशी जैसे लग रहा है कि मामू घर जा रहे हैं जैसे देखो 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 कैसे दौड़ रहे हैं पूरा फुचिंग फुचिंग करके ये छोटी वाले देखो 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 पीछे है पुदुंग पुदुंग कर रही है देखो देखो गाइस देखो देखो ओ पुछरी सब उठा उठा के दौड़ रहे हैं सब कोई छोटे छोटे वाले ज्यादा दौड़ रहे हैं देखो देखो इधर उधर ओ सच में लग रहा है कि मामू घर ही जा रहे हैं तो चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि पर दुख का बात है आधा लोग तो मिले नहीं पर और दिन जाना पड़ेगा तो चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं और कुछ नया कहानी के साथ।